सो लेट्स कवर द 17th of March इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टेट इलेक्शन कमीशन की हम बात करें तो इसका जो निर्माण है वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज जो हैं उनके इलेक्शन करवाने के लिए किया गया था। इसका जो कमिश्नर होता है उसको गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसके अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है यानी जो पंचायत वगैरह होती है और उसको 7th शेड्यूल में जो है डाला गया है, आप ध्यान रखें। और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है कि वो सेल्फ गवर्नमेंट या फिर पंचायत या म्यूनिसिपलिटीज़ को एस्टेब्लिश करें। 1992 के अंदर जब 73 और 74th अमेंडमेंट हुआ था तब उसके अंदर इस तरह की सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था। जिस तरह से हमारा इलेक्शन कमीशन होता है 324, उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 243 आर्टिकल के अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी बनाने का प्रावधान रखा गया था। तो दैट यू शुड नो इट वेरी वेल। अब जो कमिश्नर होते हैं उसको अपॉइंट गवर्नर करता है, लेकिन रिमूवल जो है वो इम्पीचमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन एंड फलाना फलाना क्या होते हैं। देखिए क्वेश्चन आर, क्वेश्चन आर क्या होता है कि जब भी पार्लियामेंट की सिटिंग होती है तो सबसे पहला यानी पहला घंटा जो होता है, पीरियड जो होता है, उसमें क्वेश्चन आर होता है। और इसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखना। स्टार्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आप 1 घंटे के अंदर यानी क्वेश्चन आर में सिर्फ 20 क्वेश्चन ही पूछ सकते हो। ऐसा लोकसभा के अंदर चेंज किया गया था 72 में। स्टार क्वेश्चन जो होते हैं वो ओरल क्वेश्चंस होते हैं, सप्लीमेंट्री इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, ए बाई थू की जरूरत है। अनस्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें क्या होता है कि रिटन आंसर्स होते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। शॉर्ट नोटिस का मतलब यह है कि अर्जेंट कैरेक्टर के क्वेश्चंस होते हैं जिसको 10 दिन का आपको नोटिस देना पड़ता है और इसके जवाब ओरल होते हैं, रिटन में नहीं होते। इसके अलावा प्राइवेट मेंबर जो होते हैं उससे भी आप सवाल पूछ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ अपन ने पढ़ लिया है, अपने कोई काम का नहीं है। एपिडेमिक डिजीज़ जो है, अभी कोरोना चल रहा है, वो पढ़ लिया अपन ने, नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इज अप्रोप्रिएशन बिल। अभी लोकसभा के अंदर अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया गया है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलता है। फाइनेंस बिल क्या होता है? फाइनेंस बिल वो बिल होता है जिसमें हमारे टैक्सेशन को चेंज किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। अभी स्पीकर के पास ये पावर होती है कि वो गुलुटिन जो होता है उसको अप्लाई करता है। गुलेटिन का मतलब ये होता है कि जितने भी पेंडिंग सब्जेक्ट होते हैं किसी भी हाउस के अंदर, उस पेंडिंग सब्जेक्ट को वो डिस्कशन के लिए फ्लोर पे ले आता है और उस पर डिस्कशन होता है कि भाई इसमें पैसा कितना आना है, कितना जाना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो गुलेटिन इज बाई स्पीकर, यू शुड नो। अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है, जिसको अपन एक तरह का मनी बिल भी कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, आर्टिकल 114 जो है उसके तहत अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट की परमिशन लगती है। अब क्वेश्चन उठता है कि फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल में क्या डिफरेंस होता है। फाइनेंस बिल जो होता है उसके अंदर एक्सपेंडिचर जो है सरकार को करना है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है उसके अंदर क्वांटम और पैसा क्यों निकालना है, उसका पर्पज़ क्या है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। दैट यू शुड नो इट वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले बजट जो होता है उस पर डिस्कशन होता है, पहली स्टेप। दूसरी स्टेज में जो ग्रांट होती है उसके ऊपर वोटिंग की जाती है, दूसरी स्टेप। और तीसरी स्टेप के अंदर अप्रोप्रिएशन बिल को लोअर हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, ध्यान रखना। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद में, लोअर हाउस में आने के बाद में, ये राज्यसभा के पास जाती है। हालांकि राज्यसभा के जो भी अमेंडमेंट होते हैं उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जा सकता है लोकसभा के द्वारा, यानी पावर जो होती है लोकसभा की ज़्यादा होती है। इसका यूनिक फीचर ये होता है कि ये बिल अपने क्रियान्वयन के बाद में अपने आप ऑटोमेटिक रिपील हो जाता है, यानी अपने आप खत्म हो जाता है। इसका एक यूनिक फीचर है ये। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो डिस्कशन होता है वो किस पर डिस्कशन होता है? अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर पब्लिक इंपॉर्टेंस और ग्रांट के ऊपर डिस्कशन होता है, इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं होता है। इसके अलावा इसके अंदर अगर एक बार वोटिंग हो गई तो उसके अंदर कोई भी प्रकार का अमेंडमेंट जो है आप नहीं कर सकते हो अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर, चाहे वो ग्रांट को लेकर के हो चाहे अमाउंट को लेकर के हो, यानी 54 रुपया भी आप चेंज नहीं कर सकते। और स्पीकर का डिसीजन जो होता है उसमें अमेंडमेंट के रिगार्डिंग वो फाइनल होता है, ही इज़ द फाइनल अथॉरिटी रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट चलते हैं, भारत स्टेज की अपन बात करते हैं। अभी BS6 जो है उसको लागू किया गया है, ये सन 2000 में लागू किया गया था और इसका क्रियान्वयन जो है CPCB मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा किया जाता है। और ये यूरोपियन जो स्टैंडर्ड होता है उस पर बेस होता है भारत स्टेज। इसके अंदर डीजल पार्टिकुलर फिल्टर और कैटलिस्ट रिडक्शन और पता नहीं अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं।
इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सल्फर और नाइट्रोजन के कंटेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगे, PM10 से PM50 से PM10 हो जाएगा, और 70 से 25% जो है आपके नाइट्रोजन में कमी आएगी, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट चलते हैं यूरेनियम की हम बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर में यूरेनियम जो है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है 0.03 होना चाहिए, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है उसने कुछ बताया है कि किडनी फेलियर बहुत सारे हो रहे हैं, फालतू की बात है। यूरेनियम जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है एंड ऑल। तो यहाँ मैप देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो यूरेनियम है ग्राउंड वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुका है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 80 जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो 12 मेंबर जो होते हैं उसको राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर नॉमिनेट कर सकते हैं। रंजन गोगोई को भी नॉमिनेट किया गया था। पाकी टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है। पाकी जिसको अपन पखुई टाइगर भी कहते हैं, IAS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसके अलावा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पंपू और आसाम के अंदर नामरी और ये पता नहीं कौन सा डोमरी और फोमड़ी और नीलगिरी भी अजीब तरह के ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ पे। इसके अलावा कामेंग रिवर जो है वो भी यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं PIB के कुछ छुटपुट कंटेंट। एकलव्य मॉडल जो है वो शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स को शिक्षा देता है। स्वदेश दर्शन अपन ने पढ़ी लिया है क्या होता है। वाटरवे 1, 2 और 3 आपको ध्यान में होना चाहिए। जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है उसको इंडलैंड वाटर अथॉरिटी द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ध्यान रखना, इट्स काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं सोलर चरखा मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ MSME द्वारा किया जा रहा है। समग्र शिक्षा जो है स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान रखिए। इसके अलावा जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर 100% प्राइवेट जो सेक्टर है उसको पार्टिसिपेशन को अलाउ किया गया है। इसके अलावा FDI जो है वो 26% अलाउ की जाता है ना, 26%। IDEX फ्रेमवर्क अपने पढ़ी लिया है कि भाई अपने को डिफेंस में इनोवेशन करना है। भारत में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी हैं। नेक्स्ट चलते हैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। ये वैसे से इशू को स्कूल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, सो वी कैन सेफली स्केप हियर फॉर द टाइम बींग। फिलोसफी में पढ़ लेंगे बाद में। मोहिनी अट्टम की अपन बात करें तो मोहिनी एक लड़की का रूप लिया था भगवान विष्णु ने भगवान शिव को बचाने के लिए। तो ये एक ही बहुत ही डेलिकेट डांस होता है, ये सोलो यानी एक सिंगल स्त्री द्वारा किया जाता है। उसमें फुटवर्क जेंटल होता है, ऐसा नहीं कि वो तांडव कर रही है वो, नहीं, क्योंकि किसी को इसको रिझाना होता है। जनरली केरला में देखने को मिलता है मोहिनी अट्टम। सो नेक्स्ट चलते हैं बृहदेश्वर टेम्पल की हम बात करें तो ये चोल साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग आपको देखने को मिलती है। ये जो है बृहदेश्वर टेम्पल भगवान शिव को, ध्यान रखना विष्णु को नहीं, शिव को डेडिकेटेड है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। ये द्रविड़ स्टाइल में बना है, इसको राजा राज चोल द्वारा बनाया गया था। इसको दक्षिणा मेरू के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इसको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर 3 टेम्पल जो हैं वो शामिल किए गए हैं, एक तो गंगीकोंडा और एक एरावत वाला। तो यू शुड नो इट वेरी वेल, इट्स काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। ये पपेट्री शो जो है बहुत सारे अपनों को याद करने की जरूरत नहीं है, वो याद रहेंगे नहीं, भूल जाएंगे अपन। नेक्स्ट चलते हैं जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पे लकड़ियों से ज़्यादा टेम्पल बनाए गए थे, जबकि राजस्थान MP में सैंडस्टोन से, तो ये कोई कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल चंबल सेंचुरी की बात करें तो ये राजस्थान MP और UP के अंदर है, नहीं गुजरात में नहीं है, ध्यान रखना। ये इको सेंसिटिव जोन होता है जहाँ पे डॉल्फिन घड़ियाल और टर्टल्स वगैरह पाए जाते हैं चंबल रिवर के अंदर। चंबल रिवर एक ऐसी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे घड़ियाल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और 75% घड़ियाल जो है चंबल रीजन के अंदर ही पाए जाते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की हम बात करें तो इसको एक्ट के द्वारा बनाया गया था और इसमें फाइनेंस कमीशन जो होता है वो रिकमेंडेशन देता है कि इसको कितना पैसा देना है, ध्यान रखना है, इस काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसमें साइक्लोन ये वो फलाना टिमका सबके अटैक जो होते हैं उसको सुरक्षा के लिए पैसा देता है ये। नेक्स्ट चलते हैं कोरोना वायरस जो है पेंडेमिक यानी पूरे विश्व में फैल चुका है, फालतू की बात है, अपन पढ़ लिया इसको। नेक्स्ट चलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो एक ह्यूमन राइट है, ध्यान रखना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट के अंदर, तो यू शुड नो कब हटाया गया। तो आर्टिकल 300A जो है उसमें क्या होता है कि किसी की प्रॉपर्टी आपको छीननी है तो कोई भी अथॉरिटी जो है या ड्यू प्रोसेस से ही आप उसको ले सकते हो, कोई फालतू आदमी नहीं ले सकता। कि होटो जो होलन केस है ये बेसिकली 10th शेड्यूल जो है यानी एंटी डिफ्लेक्शन लॉ और उस जो स्पीकर के रिगार्डिंग दिस क्वालिफिकेशन है उससे संबंध रखता है, दैट यू शुड नो। सो दिस इज़ हाउ आवर न्यूज़ फिनिश। थैंक यू।